हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज आपके सामने फिर हम जादू का पिटारा लेके आए हैं। तो देखिएगा, जादू के साथ साथ हम स्वास्थ्य की शिक्षा के प्रति अनेक जानकारियां भी देंगे, जिससे हमारे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमारा कार्यक्रम देखेंगे। जरा बच्चों जोर से तालियां बजाएं। राइट, ये क्या आ गया हमारे हाथ? देखो बच्चों, राइट, चलो। क्या लिखा हुआ बच्चों? पोषक तत्व आयोडीन। पोषक तत्व आयोडीन, आयोडीन जानते हैं? ये कहां मिलता है, कहां होता है, इसके संबंध में हम जानकारी कुछ दे रहे हैं बच्चों। कहते हैं, रहता हूं मैं धरती अंदर, रहता हूं मैं धरती अंदर, बहकर जाता बीच समंदर। रहता हूं मैं धरती अंदर, बहकर जाता बीच समंदर, विज्ञान खोज कर हमको लाया, विज्ञान खोज कर हमको लाया, और नमक मिलाकर जब वह खाया, तब गुड़ पाया मुझमें खास, तब गुड़ पाया मुझमें खास, और बल बुद्धि का करूं विकास, गूंगा घेंघा रोग नसाऊं, और शक्ति मानसिक अधिक बढ़ाऊं, और सेवन करे नित्य जो भाई, स्मरण शक्ति बढ़े बहुताई, नाम है मेरा आयोडीन। आयोडीन इसी को कहते हैं कि आयोडीन एक पोषक तत्व है, जो खाने से जो है स्मरण शक्ति बढ़ती है। कहते हैं विद्यार्थी अगर जो खाए स्मरण शक्ति अधिक बढ़ाए। जरा बच्चे जोर से ताली बजाएं। नाम है मेरा आयोडीन। धन्यवाद। अब देखिए बच्चों, ये हमारे हाथ में क्या है? दूध का गिलास। ये दूध का गिलास है। देखिए, दूध के संबंध में पहले हम बताना चाहते हैं कि दूध जो है हमेशा उबाला हुआ पीना चाहिए, कच्चा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कच्चे पीने से नाना प्रकार के रोगों का संचार होता है। तो इसलिए कहते हैं, दूध पियो कभी न कच्चा, दूध पियो कभी न कच्चा, जो चाहे सेहत की रक्षा, और बिना उबाले करें जो पान, और लगे शरीर रोग महान। दूध हमेशा उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि दूहते समय नाखूनों का मैल है, गोबर की कीट है, थनों का मैल है, सब दूध में मिश्रित हो जाता है। दूसरी बात, अगर जानवर में कोई संचारी रोग लगा हुआ है, वो भी जो है, तो इन जानवर की बीमारी जो है इंसान के लग जाती है, अगर दूध उबाला नहीं गया तो। तो हाँ, देखिए जरा एक बार फिर तालियां बजाएं। चल काली काली महाकाली, दूध गिलास हमारा खाली, भर दो उसको खप्पर वाली। जरा बच्चों लगाएं ताली। चलो बस 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 बस, हार गया, हार गया। हाँ, अभी दो तीन गिलास पिएंगे बच्चों, फिर जादू दिखाएंगे, क्योंकि काफी दूर से आए हैं, कुछ पेट भर जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि ध्यान, खान पान पे रखें ताक। खान पान में हमेशा ताक रखना चाहिए, स्वच्छता की प्रतीक होना चाहिए। इसलिए जो है, तो देखिए, जिस पात्र में हम दूध का सेवन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो पात्र नियमित उसकी सफाई होना चाहिए, गर्म पानी से और साबुन से नियमित धोना चाहिए, तब उसमें दूध का सेवन करना चाहिए। जरा बच्चों फिर ताली बजाओ। चल काली काली महाकाली, दूध गिलास हमारा खाली, भर दे उसको खप्पर वाली। राट, बस 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 बस, भर गया भर गया। हाँ तो बच्चों देखिए, कुछ स्वास्थ्य संबंधित और अन्य जानकारियां हम दे रहे हैं। एक तो दूध जो है, दूध सुरक्षित, ये दूध सुरक्षित है। सुरक्षित दूध के संबंध में हमने जानकारी दी। देखिए, एक नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कौन सा दूध है सुरक्षित? वो दूध है मां का दूध। मां का दूध कहते हैं, मां का दूध है सबसे अच्छा, और छह माह तक पिए जो बच्चा, और शक्ति कुदरती बढ़े अपार, और कभी न हो वह बीमार, पोषक तत्व मिले भरपूर, और रोग कुपोषण भागे दूर। तो बच्चों ध्यान रखना, दूध हमेशा कहते हैं, खाना पानी हमेशा स्वच्छता के प्रतीक होना चाहिए। एक दो तीन, ये यहां पर रख दिया। अब देखिए ये क्या है, पेड़ है जी। कहते हैं बन की शोभा वृक्ष बढ़ाएं, और प्रदूषण को दूर भगाएं, और जहां सुगंधित फूले फूल, और पर्यावरण के जो अनुकूल परम पूंज है वृक्ष हमारी,
और जिन पर निर्भर प्राणी सारे, जिनकी छाल फूल फल पाती, बड़े काम औषध में आती, और वृक्षारोपण करे जो कोए और परम पूरी का भागी होए। एक बार जोर से तालियां लगाओ। राइट, ये जो है फूल देखिए। तो बच्चों, हर घर में पेड़ पौधे जरूर होना चाहिए। ये पोषक तत्व चीज है, ये बादाम से बनी हुई है, लेकिन नहीं, इससे जो है और पोषक तत्व देखिए हम निकाल रहे हैं, जो घर में मिल जाएगा। ये महंगा पड़ता है, बाजार से खरीद नहीं सकते हैं। राइट, एक दो तीन, जरा बच्चों लगाओ थाली। अरे ये आ गया, देखिए वो चीज गायब हो गई। क्या आया? पालक। पालक, ये पालक है। अरे वाह, पालक है। और क्या है? वाह वाह, आम, गाजर। अरे वाह, टमाटर। तो ये चीजें पोषक हैं। कहते हैं कि आम पपीता और गाजर कदुआ, आम पपीता गाजर कदुआ और लौकी भिंडी पालक बथुआ, नियमित अगर उसे जो खाए, नेत्रोशनी अधिक बढ़ाए, कभी न पनपे उदर विकार, और सबसे अच्छा यह उपचार, पोषक तत्व मिले भरपूर और रक्त छीणता होए दूर। तो बच्चों, हरी भरी सब्जी का नित्य प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं पीले फल हरी तरकारी, युक्त विटामिन जिसमें सारी। आज हमने जो भी हम विषय लिए, सब स्वास्थ्य के प्रति जानकारी दी, और कला के माध्यम से बच्चों जो जानकारी हम दे रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे आज हमारा कार्यक्रम देख करके इस पर जरूर अमल करेंगे। स्वच्छ जल पिएंगे, स्वच्छ भोजन करेंगे और स्वच्छता के प्रति अपना वातावरण बनाएंगे।